Hi, I'm Chef Amrita Raichand और आज मैं बनाने वाली हूँ Cheesy Egg Dosa. अब Dosa आपने बहुत खाया है, अंडों के साथ काफी सारी प्रिपरेशन की है, लेकिन इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो एक बहुत ही हेल्दी होलसम मील भी बन सकता है. इसलिए आई डिसाइडेड टू डू दिस. सो आई शो यू कि किस तरह से आप डोसा और अंडे दोनों का मजा लूट सकते हैं विद दिस वेरी वेरी सिंपल रेसिपी. तो एक बोल में वी आर गोइंग टू क्रैक टू एग्स एंड इसे थोड़ा सॉल्ट एंड पेपर के साथ हम फेंट लेंगे. बट आई एम जस्ट गोइंग टू फर्स्ट कंबाइन द एग. ज्यादा बीट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टिल दे आर कंबाइन. इसमें सॉल्ट टू टेस्ट एंड थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च. जस्ट गोइंग टू विस्क इट अ लिटिल अगेन. And अब इसमें पड़ेगा lots of cheese, and that is what will give this dosa a really nice creamy and velvety texture. तो ढेर सारा cheese इसमें हम डाल देंगे. And अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो trust me, it's going to be a big hit, because किस बच्चे को cheese नहीं पसंद? They love cheese, and the more cheese you add, the better it is. जब dosa बनाते हैं तो जो पैन है उसे सीजन करके उसका टेम्परेचर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है. सो आई एम गोइंग टू पुट सम ऑयल ऑन दिस फर्स्ट. तेल से ग्रीस करने के बाद टू चेक द टेम्परेचर व्हाट नीड्स टू बी डन इज थोड़ा सा पानी लेके जिस तरह से ये बबल्स जस्ट सिजल्ड एंड मूव्ड अवे दैट शोज कि आपका जो तवा है वो करेक्ट टेम्परेचर में है. तो चलिए अब यहाँ पे है मेरे पास डोसा बैटर. Now with the help of a ladle, I am going to add my dosa batter to it. So hamesha beat se start karke, just go round and round and round. Jaise hi ye dosa thoda set ho jaye, isme hum jo anda hai wo dal denge. Spread it out nicely. अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा और चीज़ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इफ नॉट यू कैन अवॉइड इट. अब थोड़ा सा तेल हम यहाँ चारों तरफ डाल देंगे. एंड वी आर गोइंग टू लेट इट कुक. अब इसे बनाने के दो तरीके हैं. अगर आपको ऑमलेटी टाइप का टेक्सचर चाहिए अपने अंडे में तो यू कैन फ्लिप इट एंड कुक इट ऑन द अदर साइड. अगर यू वांट अ लिटिल मोर वेलवेटी स्क्रैम्बल्ड एग काइंड ऑफ अ फील तो उसे दूसरे साइड फ्लिप मत कीजिए. वो धीरे धीरे अभी यहीं पक जाएगा अंडा. जैसे ही अंडा सेट हो जाएगा वी आर गोइंग टू टेक इट आउट एंड कट इट इनटू नाइस शेप्स. सो लेट्स डू द स्क्रैम्बल्ड एग स्टाइल. लेकिन जब तक ये बन रहा है लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आप कोई भी स्टेप भूल चुके हैं या यू आर वंडरिंग ये रेसिपी आपको कैसे याद रहेगी, डोंट वरी, वी हैव द बेटर बटर ऐप हियर. Just scroll down the recipe and सारे steps देख सकते हैं. Alright? Okay. Lovely. देखिए अब इस साइड से हमारा जो ये अंडा है वो पक चुका है. Just a little more. Once it solidifies on the other side, we are going to take it out. थोड़ा सा spatula को तेल में dip करके we are going to start taking this out. ये बहुत ही अच्छे से निकल चुका है. And we are just going to flip it, guide it with your hands, ताकि वो साथ में आ जाए. And now, इसे थोड़ी देर एक साइड में ब्राउन कर देंगे and then इसे हम निकाल लेंगे. So we're gonna take it out on our chopping board. अब एक छुरी के हेल्प से हम इसे काट लेंगे like this, in just one sharp stroke. Okay, अब यहाँ पे है मेरे पास एक plate and some ketchup. तो अब हम ये हमारे चीजी डोसा ट्रायंगल्स को इस तरह से लगा के वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इट. देयर यू गो एंड हियर यू गो आवर यम्मी चीजी एग डोसास आर रेडी.